हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक मोटर के अम्पेयर जो होते हैं वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी हमारे इस क्लैंप मीटर की हेल्प से। फ्रेंड्स, ये जो क्लैंप मीटर होता है हमारा, ये वोल्टेज भी बताता है और अम्पेयर भी बताता है। वोल्टेज चेक करने के लिए ये दो वायर दी होती है, इसमें ये दो पॉइंट होते हैं और ये जो है एसी वोल्ट्स 750, जहाँ पर हम करेंगे जो तार लगाएंगे मेन में, तो जहाँ पर इसकी वोल्टेज चेक हो जाएगी, जहाँ पर इसकी जो डीसी वोल्ट चेक होती है। और अगर हमने मोटर के अम्पेयर चेक करने हैं, वो भी बिना तार को काटे, फिर हम इसको जहाँ पर रखेंगे। नॉर्मल जो मोटर होती है 200 एम्पीयर से ऊपर नहीं जाती, इस साइड पे रख के हम चेक करेंगे जहाँ पर। और मोटर से कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी जो मोटर है इसमें दो वायर जा रही हैं, ये देखिए, एक जे है, एक और मैं बता देता हूँ, एक जे जा रही है और एक जे जा रही है। ये मैंने पीछे से जो मेन आ रही है वो लगा रखी है। ये जो क्लंप मीटर है इसको मैं जहाँ से दबाऊँगा ये खुल गया, और इसकी किसी भी वायर पे दो जा रही हैं, किसी भी वायर के अंदर इसको डाल दीजिए और जहाँ पर हम बेल सेट कर दीजिए। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसको मोटर को चलाऊंगा, आप अम्पेयर चेक करना। ये देखिए 0.8 अम्पेयर आ रहे हैं जो मोटर के चलने के, मीन्स एक अम्पेयर से भी कम जो है अम्पेयर मोटर दे रही है। चलिए इसके स्टार्टिंग अम्पेयर भी आप चेक कर लीजिए, नियर अबाउट 2 एम्पीयर ले रही है मोटर स्टार्ट होने में। इस तरह से आप क्लंप मीटर की हेल्प से बिना तार काटे इसके जो मोटर के एम्पीयर चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर देने का पूरा पूरा कोशिश करूँगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक्स।